अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल एडसेंस की जो पिन रिसीव होती है उसको किस तरीके से एंटर करते हैं और अपने एड्रेस को कैसे वेरीफाई करते हैं। जो है वो जीमेल का आईडी और उसका पासवर्ड लेके गूगल एडसेंस के अंदर लॉगिन होते हैं और ये होम स्क्रीन उसकी आपको शो होती है। यहाँ पर होता है वेरीफाई बिल, देखें यहाँ भी आपको मैसेज नज़र आ रहा है, योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। ठीक है जी, और ये एड्रेस तभी वेरीफाई होता है जब हम इस पर पिन एंटर करते हैं जो कि हमें बाय डाक वसूल होती है। अब ये गस 3 की जो है वो पिन उन्होंने सेंड की हुई थी और चूँकि पेंडेमिक चल रहा है इसका तो इसलिए जो है वो लेट हो गई। बहरहाल इसको यहाँ पे ये वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो पूछते हैं यू विल फाइंड द 6-डिजिट पिन इन द लेटर वी सेंड यू। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस तरह का लेटर होता है और किस तरह से जो है वो पिन आपकी रिसीव होती है। तो वो पिन जो है वो मुझे रिसीव हुई थी वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद जो है वो सबमिट कर दी जाती है और ये बहुत एहतियात से आपने करनी है क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 चांसेस होते हैं। ये मैंने सबमिट कर दी और बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, देखें आपको मैसेज नज़र आ गया है, राइट मैसेज नज़र आया। और उसके बाद ही वो जो बॉक्स था वेरिफिकेशन का वो गायब हो गया है। अब मैं स्क्रीन को जो है वो रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ और ये जो ऊपर आपको मैसेज आ रहा है ये भी गायब हो जाएगा कि हमने जो है वो एड्रेस को वेरीफाई कर दिया है जी। तो नाज़रीन देखा आपने, वो मैसेज भी यहाँ से जो है वो चला गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने अपने पेमेंट के मेथड को जो है वो बताना है कि हम किस मेथड से जो है अपना जो पेमेंट है वो रिसीव करेंगे जी। तो व्यूअर्स, हमने जो है पिन एंटर कर दी, हमारा एड्रेस वेरीफाई हो गया। अब हम पेमेंट्स पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमने पेमेंट मेथड को ऐड करना है, हाउ यू गेट पेड। यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड पे, ऐड पेमेंट मेथड पे जाके और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल और ऐड न्यू चेक डिटेल्स। बहुत से दोस्त ये गलती करते हैं कि वो इसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये मशवरा मैं आपको हरगिज़ नहीं दूंगी क्योंकि ये हमने बहुत जो है रिसर्च के बाद ये फाइनल किया है। अगर आप ये मेथड सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी बाद में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से आपकी पेमेंट भी रुक जाती है और ऑन होल्ड हो जाती है। तो आपने जो है वो हमेशा पहले वेस्टर्न यूनियन की इसमें ऑप्शन होती थी, दैट वॉज द बेस्ट, लेकिन आजकल जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। 2021 में ओनली जो है वायर ट्रांसफ़र है या चेक डिटेल्स है। तो आपने ये वाला मेथड जो है चेक डिटेल वाला कभी भी यूज़ नहीं करना। हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो है एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, टू रिसीव पे आउट्स बाय द वायर ट्रांसफ़र के लिए ये फॉर्म है, कॉन्टेक्ट यूर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स एंड फीस, क्योंकि जाहिर है जब वो एक्सचेंज करेगा करेंसी को तो हमारी जो पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से होगी वो लगेगा रेट। तो बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इन यूएस डॉलर करेंसी। तो इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी हुई थी, लेकिन फिर ये मैंने जो है वो कंफर्म किया बैंक से तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारी पेमेंट रिसीव होती है तो डॉलर्स पाक रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं या जो भी आपकी कंट्री की करेंसी होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बेनिफिशरी आईडी, अगर दें तो बहुत अच्छी बात है वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑन बैंक अकाउंट लिखना है, यानी आपका नाम क्या है जी, आपका बैंक जो आपके बैंक में आपका नाम है वो आप लिखेंगे। टाइटल ऑफ द अकाउंट जो है वो होगा, वो ज़ाहिर है आपके नाम पे होगा। अगर आप अपने किसी बहन भाई या फादर के नाम पे आप मंगाना चाह रहे हैं, उनका अकाउंट है तो फिर उनका नाम होगा, यानी जिस अकाउंट में आपने पैसे मंगवाने हैं उस अकाउंट का जो टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। और स्पेलिंग जो है वो बहुत ध्यान से लिखते हैं ताकि बाद में किसी भी किस्म की पे आउट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आ जाएगा बैंक का नाम, कंप्लीट बैंक का नाम लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद है स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड और ये आईबीएन नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस अकाउंट में पैसे आने होते हैं ये उस अकाउंट के कोड्स होते हैं और ये आपको बहुत एहतियात से लेने चाहिए। बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं जी ये नेट से भी मिल जाते हैं, मुझे पता है ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर होता है, एहतियात ज़रूरी है। तो आपने जो है ये अपने बैंक फ़ोन करके जो है वो ले लेना है, हेल्पलाइन से भी फ़ोन करके आप ले सकते हैं। मैंने भी जैसे अपने बैंक का लिया तो ये उन्होंने जो है वो मुझे
दिया है, ये बहुत एहतियात से आपने एंटर करना है ताकि किसी भी किस्म की बाद की परेशानी से जो है वो बचा जा सके। उसके बाद IBN हम एंटर करेंगे। फिर वही IBN नंबर जो है वो आपने रीटाइप भी करना है ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट पोर्शन है इंटरमीडिएट बैंक और FBIO, ये आप ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें, इससे हमारा कोई जो है वो सरोकार नहीं है। ये जो बैंक ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेशनल अमाउंट्स जो है वो आती हैं आपके बैंक में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये उनकी कन्वर्जेंस का होता है। उसके बाद ऑप्शन है सेट एज अ प्राइमरी मेथड, कि आपने इसको प्राइमरी मेथड से पिन्स आ रही हैं नए व्यूअर्स की, तो उनके लिए जो है वो वेस्टर्न यूनियन की ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है और जस्ट ओनली या चेक डिटेल है या वायर ट्रांसफ़र है। तो वायर ट्रांसफ़र में आपको ये हर सूरत जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे क्लिक करके जो है वो आपने सेट एज अ प्राइमरी मेथड कर लेना है। अच्छी तरह से चेक करने के बाद ये जो ऑप्शन है सेव की, यहाँ पे आप इसको सेव कर दें, राइट। तो ये हमारा जो है वो पेमेंट मेथड सेव कर देगा इस तरह से। तो ये देखिए नाज़रीन, वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट्स, ये मेरा नेम आ रहा है और ये हमारा प्राइमरी जो है वो सिलेक्ट हो गया, राइट। आपका एक ही पेमेंट मेथड जो है वो सिक्योर भी है, वायर ट्रांसफ़र वाला डायरेक्ट आपके बैंक में जो है वो पेमेंट आती है जब भी रिसीव हो, और जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड इसका $100 है, $100 से पहले आप जो है वो नहीं निकलवा सकते, अपने बैंक से पे आउट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और उन दोस्तों के साथ जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको पेमेंट मेथड या अपने एड्रेस को वेरीफाई करना नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।